आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज। नज़ीर एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल ऑफ गुलिस्तान सकीना अकेडमी। आज हमने बच्चों के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब सर जुबेर अंजम जुबेर हमारे पास मौजूद रहे। सर अब्दुल रशीद कैसरानी और सर मोहम्मद अली हमारे पास आए, इन्होंने विजिट किया, इनको यहाँ बहुत अच्छा लगा। एक एक बच्चे के बारे में इनको तफसीलात दी गई। हमारे बच्चों ने इससे पहले गिटार पर मुख्तलिफ नाते पढ़ी, मुख्तलिफ हमद और नज़में वगैरह भी पेश की। बच्चों को असल में मकसद मेरा यहाँ पर अवेयरनेस देना है इस ऐसे प्रोग्राम करके, और इन बच्चों की हौसला अफजाई करना है। जब ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं तो हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि इन बच्चों को खुशी दी जाए। जब लोग इनको वैल्यू देते हैं, जब इनके पास आते दूर दूर से बच्चे बच्चों को देखने के लिए लोग जब आते हैं तो हमारे बच्चे खुश होते हैं और इस तरह से उनकी हौसला अफजाई होती है। वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनके सामने आना, लोगों के साथ हाथ मिलाना, उनसे बात करना, इस तरह उनके अंदर एक बेखौफी पैदा होती है। हम चाहते यही है कि हमारे बच्चे ऐसे इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल उनका डेवलप हो। मुझे ये एजाज हासिल है कि यहाँ की जो होनहार प्रिंसिपल हैं हजरा नज़ीर साहिबा, ये मेरी शागिर्दनी हैं। आज भी इनका मैं मशकूर और ममनून हूँ कि इन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया, आज फिर इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के दरमियान वक्त गुजारने का मौका फराहम किया। ये बल्दिया टाउन की सतह पर एक ऐसा अजीम शान काम सर अंजाम दे रही हैं कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे माशरे के नज़रअंदाज किए हुए बच्चे हैं, और ख़ास तौर पर ये जिन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं वो गरीब घराने हैं और वो इन बच्चों की प्रॉपर तरबियत अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में ये एक इदारा एक ऐसी खूबसूरत दरसगाह है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसकी तरफ हम सब मुतवज्जा हों। माशरे के वो अफराद जिन पर अल्लाह ने अपना फजल किया हुआ है कि वो इस इदारे की मुआवनत में माली तौर पर जिस्मानी तौर पर अपना अपना हिस्सा डालें ताकि ये बच्चे भी आम सेहतमंद बच्चों की तरह से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ गुजारने के खाती हैं। वो मुझे बुलाएंगे और इस स्कूल के बारे में पूछेंगे और मैं इंशाल्लाह मैडम से भी मिला दूंगा। इनकी माली तामन जितना हो सके इस इदारे के साथ करना है। इसमें गूंगे पहरे और पोलियो के मरीज, मुख्तलिफ किस्म के जो बच्चे मरीज हैं, जहनी मरीज भी हैं, वो भी यहाँ बच्चों को मैडम मेहनत करके उनको सिखा रही है, चला रही है। मुझे उम्मीद है, मेरे सेठ हैं, मैं एक नाम लेता हूँ, सेठ सिकंदर साहब भी हैं, सेठ भोली साहब भी हैं, वो इन कामों में बहुत आगे रहते हैं। मुझे उम्मीद है वो मेरी आवाज़ सुन चुके होंगे, इंशाअल्लाह मुझे बुलाएंगे और इस इदारे के साथ तआमुन करेंगे।